Kinshuk, welcome to E-Times TV. Thank you so much. And I would like to know कि promo तो काफी अच्छा लग रहा है show का और buzz भी है क्योंकि थोड़ा concept अलग लग रहा है जिस तरीके से promo को भी बनाया गया it is very different. So what kind of response you're getting from people and happy and excited are you to be back on the small screen? I'm really happy. I'm very excited. और जो रिस्पॉन्स मुझे लोगों से मिल रहा है वो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. सब लोगों को शो का जो फर्स्ट लुक है वो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही पसंद आया. सब लोग यही कमेंट कर रहे हैं कि शो बहुत ही फ्रेश लग रहा है और सिंपल लग रहा है क्योंकि डायरेक्टली ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इमोशनली कनेक्ट कर रहा है शो. तो यही है और इस शो को लेके मैं काफी एक्साइटेड हूँ. तो हमें थोड़ा सा यू नो बैकड्रॉप बताइए, किस तरीके का शो है, आपका कैरेक्टर क्या होगा? देखिए शो का नाम है पंड्या स्टोर और ये किराने की दुकान है जो कि इसके फादर ने बहुत ही मेहनत करके इस दुकान को आगे बढ़ाया है और वो उसका सपना है कि इस दुकान की काफी ब्रांचेस खुले और ये जो शॉप है, ये किराने की शॉप है, ये अभी गिरवी रखी हुई है. तो कैसे, हाँ जी, ये गिरवी रखी हुई है क्योंकि फादर के अपने कुछ उस टाइम पे कुछ चीजें थी जो कि मैं आपको बता नहीं सकता कि वो स्टोरी में है. वो कैसे उन्होंने क्यों रखी गिरवी, किसके लिए रखी, बट ये है कि ये शॉप गिरवी रखी है और हम लोगों को इस शॉप को वापस छुड़ाना है. तो कैसे हरा, गौतम और तीनों भाई मिलके इस शॉप को छुड़वाएंगे, अभी फिलहाल की स्टोरी यहाँ तक है, मतलब जितनी मुझे मतलब अभी बता सकता हूँ मैं. और आपका कैरेक्टर किस तरीके का होगा? जी कैरेक्टर बहुत ही सिंपल है. गौतम बहुत ही सिंपल लड़का है, उसका कैरेक्टर बिल्कुल राम की तरह है. बिल्कुल वो हर किसी के लिए सोचता है, हर किसी के लिए अच्छा चाहता है, उसके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काफी स्ट्रेस है कि उसकी शॉप गिर भी है, माँ उसकी बेड पे है, पैरालिस है उसकी माँ को, और तीन घर में छोटे भाई हैं, तो पूरा घर का खर्चा उसको चलाना है. उतने में उसको ये पता चलता है कि उसकी दुकान भी गिर भी है. तो ये गौतम बीच बीच में कई बार इस पूरे स्ट्रेस से टूट भी जाता है, लेकिन उसकी मदद करती है धरा, उसको वापस उसको सपोर्ट देती है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है. तो ये ऐसे करके एक गौतम का कैरेक्टर है. एंड हाउ इज इट यू नो टू बी बैक वर्किंग और इस पैंडेमिक के बाद जब धीरे धीरे काम शुरू हुआ, जिंदगी बैक ट्रैक के आई, तो आपके लिए भी कैसा रहा है ये एक्सपीरियंस पैंडेमिक के दौरान शूट करने का? जी एक्सपीरियंस तो ये है कि पैंडेमिक तो है, अभी चल रहा है, लेकिन शूटिंग तो करनी है. सो वी हैव टू शूट एंड वी हैव टू टेक ऑल द प्रिकॉशन व्हिच वी कैन. सो देयर इज नो एक्सेप्शन के जितना भी प्रिकॉशन लो, लेकिन डर तो रहेगा ही. सो इसलिए मैं पूरी प्रिकॉशन ले रहा हूँ, लेकिन प्रिकॉशन के साथ हमारा शूट करना बहुत जरूरी है क्योंकि अब टेलीकास्ट को है. सो करते हुए बस ये है कि प्रिकॉशन लो और शूट करो. आपके घर में तो छोटे बेबीज भी हैं, तो आप कितना ज्यादा ध्यान रखते हैं अपने पर्सनल यू नो अपने तरफ से? जी बिल्कुल, जब मैं जाता हूँ तो वापस आता हूँ शूट से, तो आते ही सबसे पहले मैं विदाउट उनसे मिले हुए फटाफट, मतलब होता है ना कि वॉशरूम में जाके अपने आप को फ्रेश करता हूँ, नहाता हूँ, नहाने के बाद सैनिटाइज करता हूँ और फिर आके उनसे मिलता हूँ. तो थोड़ा सा डर है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं कि द शो मस्ट गो ऑन. या राइट. एंड हाउ इज इट शूटिंग विद शाइनी? आप लोगों की पेयरिंग भी बहुत अच्छी लग रही है और आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं स्क्रीन पे एक साथ, तो वो कहीं ना कहीं हाफ ऑफ द बैटल इज ऑलरेडी वन. अब जब शो आएगा तो आपकी केमिस्ट्री कैसी है वो देखने में काफी इंटरेस्टिंग होगा. तो बताइए कि किस तरीके का एक्सपीरियंस अभी तक शूटिंग रहा है शाइनी के साथ? शाइनी एक बहुत ही अच्छी कलाकार है, बहुत ही अच्छी प्रोफेशनल लड़की है और फाइन एक्टर है. उसके साथ शूट करके काफी मजा आ रहा है और शाइनी को तो मैं पहले से भी जानता हूँ, तो ये ऐसा नहीं था कि मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी अननोन आर्टिस्ट के साथ काम कर रहा हूँ. तो काफी अच्छा लग रहा है और लकीली टच वुड सब लोगों को हमारी जो पेयरिंग है वो अच्छी भी लग रही है.
सो बस यही है कि लोगों को ये अच्छा लगे और आगे शूट दिखे. थैंक यू सो मच किंशुक. लास्टली बिफोर रैपिंग अप, व्हाट विल यू वांट टू टेल योर फैंस जो ये शो देखने वाले? I would like to tell them that Pandya Show is a very nice show and please guys do watch it. It's a wonderful show. You will definitely fall in love with Gautam and Dhara, their story, how they saved their store, and you will love the kids in the show. जो बच्चे हैं आपको इतना पसंद आएंगे कि आप बोलेंगे कि वाह ऐसे बच्चे होने चाहिए लेकिन हमारे घर पे नहीं होने चाहिए क्योंकि वो लोग उद्धम हैं. तो आपको बहुत परेशान किया क्या शूटिंग के वक्त भी? परेशान नहीं किया, बड़े क्यूट हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाँ मतलब होता है ना कि बहुत ही नॉटी हैं. बट आपका रियल लाइफ में फादर होना कुछ डिड इट केम एज हैंडी, कुछ काम में आया वो या नहीं? देखिए मैंने बस इतना ये चीज सीखी है कि जब बच्चे सेट पे हो ना तो उनके साथ थोड़ा सा मतलब होता है ना कि थोड़ा सा डिस्टेंस भी बनाना जरूरी है, नहीं तो फिर वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. लेकिन एट द सेम टाइम उनको प्यार देना भी बहुत जरूरी है बिकॉज बच्चे क्या होता है जितना आप प्यार देंगे उतना ही वो वापस देंगे. तो वो बैलेंस बहुत डिफिकल्ट है. मतलब होता है ना कि थोड़ा सा हल्का सा डांटो भी और फिर उसके बाद क्या कहते हैं प्यार भी कर दो. थैंक यू सो मच किंशुक, ऑल द बेस्ट फॉर द शो. थैंक यू सो मच. Thanks, bye.